Uh, let's look at uh, another uh, table. Uh, this is also used uh, quite frequently. j basically has unit normal loss integral, or in other words, loss function. loss function ye use is used for uh, determining k uh, stock outs, ya loss sales, kit ni ऑर्डर के बेसिस के ऊपर एक साल के अंदर तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम ये करते हैं यूज इसके अंदर एक तो हमारे पास एफ जेड है विच इज बेसिकली प्रोबेबिलिटी क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी जिसको हम कहते हैं एरिया अंडर द कर्व ये वो वैल्यू दे रही है ठीक है विच इज़ कॉरस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू ऑफ जेड और दूसरी है हमारे पास जेड जो कि हमने अभी डिस्कस की है कि Z इज नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन अवे फ्रॉम द मीन ठीक है तो उसके बेसिस के ऊपर ये दोनों रिलेटेड होती हैं और ये स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल के अंदर ये वैल्यूज एक एक गिवन हो तो दूसरी देखी जा सकती है और ये उ, उस बेसिस पर हम डिटरमिन कर लेते हैं अब हम बात कर रहे हैं कि जो हमारे पास एल जेड है विच इज बेसिकली योर लॉस फंक्शन दिस इज कॉरस्पोंडिंग टू द वैल्यू ऑफ जेड कि जेड की वैल्यू दी हुई है उसके अगेंस्ट एल जेड की क्या वैल्यू आ रही है सो इन इन दिस केस इट इज यूज जैसे मैंने कहा कि एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ लॉस सेल्स तो वो क्या हमारे पास आ रहे हैं लॉस सेल्स विल बी एल जेड मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डिवियशन ऑफ डिमांड तो डिमांड के बेसिस के ऊपर लॉस सेल्स हम कैलकुलेट uh, कर सकते हैं बेसिकली दिस इज द चार्ट इसके अंदर वी हैव ऑल थ्री वैल्यूज जेड द एरिया अंडर द curve और cumulative probability एंड एल जेड is इज़ लॉस फंक्शन और इसको अगर हम देखेंगे 2.05 हमने पिछली बार किया था तो इस चार्ट के अंदर वो क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूज़ हो जाती हैं बहुत ज़्यादा पेजेस पर कवर होगा तो इधर जो क्लोजस्ट गिवन है दैट इज़ 2.04 और इसके अगेंस्ट अगर हम देखें तो वी हैव लॉस फंक्शन की पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो एट दैट इज़ द वैल्यू ऑफ लॉस फंक्शन जिसको हम यूज़ करेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन से मल्टीप्लाई कर कर आउट uh, uh, के नंबर ऑफ यूनिट्स क्या हमारा लॉस जो है वो क्या आएगा एक साल के अंदर कर सकते हैं जिसको डिपेंड करता है कि हम uh, उसको किस उसमें यूज़ कर रहे हैं लेकिन ये जो है ये तीनों की तीनों वैल्यूज़ हमें इस चार्ट के अंदर गिवन होती है बट ये जो चार्ट है बेसिकली जैसे मैंने कहा बेतहाशा पेजेस के ऊपर होगा नॉट लाइक स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल जो कि आपको एक या दो पेजेस के ऊपर ही सारे वैल्यूज उसमें नज़र आ जाती हैं